अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं कीमा गोभी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, कीमा, आलू, गोभी, टमाटर, हरी मिर्चें, और ये अदरक मैंने क्रश करके ली हुई है। और मसालों में है नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी। अब चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे, फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे, फिर जब तक इसकी रंगत बदलती है जब तक, फिर हम बाकी मसाले इसके बाद में ऐड करेंगे। ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हमारी इसमें जो खुशबू जब आने लग जाएगी लहसुन अदरक की, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो हमारी खुशबू तकरीबन 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे तो हमारी खुशबू आने लग जाएगी। अब हम इसके अंदर अपना टमाटर ऐड कर देंगे और अदरक और हरी मिर्च जो हमने काटी थी वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर अपना कीमा भी ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारे टमाटर टेंडर नहीं हो जाते। हमारे टमाटर टेंडर हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर देंगे। मसाले डाल के हमें इसकी खूब भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें अपनी आलू और गोभी डालेंगे। अब हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड और आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करके फिर अब हम इसके अंदर इसके बाद हम गोभी भी ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी से। अब हम इसमें गोभी ऐड करने लगे हैं। गोभी ऐड करके फिर अच्छी तरह मिक्स करके इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ढक के दम पे, जिसमें हमारी आलू भी गल जाएंगे और गोभी भी गल जाएंगे। हमने अपनी गोभी भी डाल दी है, ऐड कर दी है। गोभी हमने बड़े बड़े पीसेस में काटी है ताकि वो बहुत ज़्यादा हलवा ना बन जाए, बहुत ज़्यादा गल ना जाए। हमने गोभी ऐड कर दी है अपनी। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। इसमें पानी मैं नहीं डाल रही क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी भी छोड़ देगी, तो बिल्कुल हल्की आंच पे करके मैं इसको ढक के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमारी गोभी देखते हैं गल गई है या नहीं गली। हमारी गोभी तकरीबन गल चुकी है बिल्कुल, आलू भी गल चुकी हैं बिल्कुल। अब हम इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे। ये सर्दियों की मोस्ट फेवरेट डिश है, हमारी बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। हमारी भुनाई हो गई है, अब हम इसके अंदर चूल्हा बंद करके और इसके अंदर अब हम धनिया और हरी मिर्चें हमने काटी हुई हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारी कीमा आलू गोभी की फाइनल लुक है। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।